Vidya dadati vinayam. Vinaya dadati patritam. Patritvad dhanmapanoti dhanat dharmu tatah sukham. रिक्शा, अरे भैया दारागंज चलेंगे? संगम चलेंगे चलेंगे, बैठो तो सही, तनी बीड़ी के सुट्टा तो मार ले। अरे यार हाँ, दिखने में मरियल लगता है, खींच पाएगा कि नहीं पता नहीं। अरे भैया ये इसका टॉनिक है, अब देखना। चलो जल्दी। अरे क्या हो गया, और जोर लगाओ। अरे लगावत है भैया, चिंता ना करो। अरे क्या चिंता ना करे, देर हो रही है ना। अरे भैया खाना वाना नहीं खाते हो का, कहो तो हम खींचे। अरे बाबूजी आज के जमाने में खाना मिलत कहाँ है, पहले के जमाने में तो दाल रोटी मिल जाती रही, लेकिन अब कहाँ है। अरे ये सब छोड़िए, आप खींच पाएंगे या हम दूसरा रिक्शा करें। बैठो भैया बैठो, खींची थी। चलो भैया दुपट्टा डाल के ऊपर नहीं जा सकती थी। और सुन, ये अपने बाल खुले मत रखा कर। क्या बुआ, मैं अपने घर में भी अपने तरीके से नहीं रह सकती हूँ क्या? देखती नहीं, छत से सारे छोकरे तुझे ही देखते रहते हैं। अरे देखते हैं तो मैं क्या करूँ, खा थोड़ी ना जाएंगे मुझको। और वैसे भी बुआ मैं ध्यान नहीं देती हूँ कौन मुझे देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है। और तू कैसा भाई है, बहन की रक्षा नहीं कर सकता है? हाँ बुआ, आरती ठीक ही तो कह रही है। तुम भी क्या छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगती हो। बस तू तो बीच में मत ही बोला कर। और सुन, तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ मैं, बस मेरा मुंह मत खुलवा, समझा? बुआ जी मेरी प्यारी बुआ जी। चुप बैठ।
पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। बाऊजी पानी पानी। लाइए। ये ले बेटा। अम्मा कैसी बाबूजी और सुखी कैसा है? तुम्हारी अम्मा बहुत चिंतित रहती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन खबर पूछती रहती हैं, क्या जवाब दें उसको। हर देवी देवता के यहां जाके मत्था टेकती हैं, तुम्हारी नौकरी के लिए मन्नतें मांगती रहती हैं, पीर फकीर के यहां जाती हैं। ठंड में हमारी तो हिम्मत नहीं होती है कि रोज नहाए, लेकिन वो रोज नहा के तुलसी में गंगाजल चढ़ाना नहीं भूलती हैं। ऊपर वाला जरूर सुनेगा उसकी एक न एक दिन। बेटा सुधीर सुखी अब पान बीड़ी की दुकान लगाता है, कहता है भैया को जब नौकरी मिल जाएगी तो हमें भी अपने साथ रख लेंगे। बेटा सुधीर अब गांव वालों को क्या जवाब दें? हर कोई तुम्हारे बारे में बात करता है, सवाल करता है, पूछता रहता है। अब तो रिश्ते भी आने लगे हैं तुम्हारे लिए। मैं तो कहता हूं बेटा कोई भी काम कर लो, छोटा या बड़ा, कोई भी नौकरी कर लो, मास्टर की, चपरासी की। बाबूजी हमने कई एग्जाम्स अभी दिए हैं जिनके परिणाम अभी आने बाकी हैं, आशा है कि किसी न किसी में सफलता अवश्य मिलेगी। बेटा एक गिलास पानी और देना। जी बाबूजी। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे याद किया भाई? बेटा सुधीर हाँ जल्दी कर लो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। बाबूजी बेटा सुधीर ये पैसे रख लो। ये रखो हम बाबूजी को छोड़ के आते हैं। आइए बैठिए, बैठिए प्लीज। अरे छोड़िए इनको, साहबजादे कॉलेज बंक करके फिल्म देखने गए थे और समझते हैं मुझे पता नहीं चलेगा। अब जाने भी दीजिए सर। सुनो पुत्तन
माफी मांगो कि आगे से ऐसा नहीं करोगे। माफ कर दीजिए पिताजी, अब कभी नहीं जाएंगे पिक्चर देखने। चल जा, भाग यहाँ से। आगे से खबर मिली तो टांगे तोड़ दूंगा। आप बताइए कैसे आना हुआ? हाँ सर, वो किराया देना था ना, पिछले महीने का है, इस महीने का भी जल्दी कर देंगे। अरे अब इसकी भी क्या जरूरत थी? अजी सुनिए। हाँ, हम आते हैं, मैं भी आता हूँ। हैं? ये रख लो। ये क्या? फिर कम, फिर बकाया कर दिया। अरे इतने रख लो, बाकी के वो बाद में दे देगा, कोई भागा थोड़े ना जा रहा है। अच्छा सुनिए, हाँ? सुधीर से कहिए कि पुत्तन को थोड़ा पढ़ा लिखा दिया करे, पैसे तो वैसे ही लेट लतीफ देता है। हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है। अच्छा मैं बात करता हूँ। अंकल जी, सुधीर। हाँ सर। पुत्तन के बारे में सोच सोच कर बहुत चिंता हो रही है, और इसकी बकैती सुन सुन कर तो मेरे कान पक गए हैं। पिछले कई सालों से फाइनल में फेल हो रहा है, अब किसी तरीके से फाइनल पास कर ले तो इसकी नौकरी लगवा दो। अब जहां ये कोचिंग पढ़ने जाता है वो हमारी जगह है, किराए पर दी है। अब पता नहीं वहां पढ़ाई होती भी है या नहीं होती, 6 महीने से किराया तक नहीं दिया है। कहते हैं कि स्टूडेंट्स ही नहीं आते। सुधीर बेटा। जी सर। थोड़ा सा समय निकाल के अगर पुत्तन को पढ़ा दिया करो तो जीवन भर की लफंगई से ये बच जाएगा। भाई अगर ऐसा कर सको तो तुम्हारा बहुत उपकार मानेंगे। दुखी कर दिया इस लड़के ने मुझे। सर बिल्कुल पढ़ा दिया करेंगे, पढ़ाएंगे सर। पुत्तन। जी पिताजी। बैठो। देखो जी, कल से 3 बजे कल से तुम हमारे पास 3 बजे आ जाना, हम पढ़ा देंगे। ठीक है? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। चले सर। नमस्ते। 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 क्या हुआ, मुंह क्यों खुलाए हो? लपर लपर हाँ कर दियो, अब जाओ पढ़ाओ। अरे यार तो क्या करते, चलो पढ़ा दिया करूंगा, यही ना। अरे कम करवाना था तो किराया कम करवाते। अच्छा ये बताओ, जहाँ पढ़ने जाता होगा वहाँ पैसा नहीं देता होगा क्या? बात करते हो, अरे नेकी सूझी है तुमको। जतन कभी कभी नेकी के फल हमें ऐसे टाइम पे मिलते हैं जब हमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है और कोई भी उम्मीद नहीं होती जिसकी, समझे? मालिक चाय पिलाइबो। चलो। चलो। का करें हम तुम्हारे साथ? मार दे। हमारे पिताजी के तो बड़े वफादार बनते हो तुम। हाँ नहीं पुत्र भैया, गलती हो गई, आगे से नहीं बताएंगे, आगे से नहीं बताएंगे। अब आयो खत में। अरे पढ़ाई में कितना मन खपाना पड़ता है, हा? अगर जी बहलाने के लिए हम पिक्चर देखने चले गए तो कौन सा गुना हो गया हमसे? कोई गुना नहीं किया, कोई गुना नहीं किया, आगे से नहीं बताएंगे। हुआ तुमने किया, हमको मुर्गा बनवाकर लात और बात हमको सहनी पड़ी। चलो चलो अब तुम भी मुर्गा बनो। बनो। ए, क्या कर रहे बे? फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर रहा हूँ। फेसबुक पे स्टेटस अपडेट कर रहे, लात मार। हमने अभी तक किसी को नहीं मारा तो अब मार, मार मार और जोर से मार। अब जाने दो, अब जाने दो, हो गया। जाओ नहीं, भागो। <साथ। coughs>
मैगजीन, पत्रिकाएं, समसामयिक की, सामान्य अध्ययन की, कितने खर्चे हैं, सब में पैसे लगते हैं। अभी पेपर दिया है ना, थोड़ा इंतजार करते हैं रिजल्ट का, देखते हैं क्या परिणाम आता है। सर्वेश जी से बहुत दिन से नहीं मिले। हाँ यार, शाम में चलते हैं। शाम को चलते हैं। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि सर इस बार क्वालिफाई कर लें। सर, खुशी तो बहुत होती है पर डर भी बहुत लगता है। देखो, अब जो होगा देखा जाएगा। हमने तो लॉ भी नहीं किया है, नहीं तो अब तक प्रैक्टिस शुरू कर दिए होते और बीएड भी नहीं किए। जी, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है हमारे पास। अब तो इस पड़ाव पर आ करके ना हम कोई बिजनेस कर सकते हैं और ना ही वापस जाकर कोई खेती बाड़ी। 150 सीटें होती हैं सिर्फ, और आवेदन करने वाले लाखों लोग, लाखों लोग, लाखों, और ऊपर से आरक्षण। तो जतिन बाबू, अब तो कोई बाप हमें अपनी बिटिया भी नहीं देगा शादी करने के लिए। सर, सर आप तो हाई क्वालिफाइड हैं, आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, प्राइवेट जॉब तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। देखो, कहीं किसी बड़े शहर में जाकर प्राइवेट जॉब करने से बढ़िया है कि मैं यहीं कहीं कुछ कर लूंगा। सही बात है। हाँ, करूंगा क्या, ये तो कुछ सोचा है नहीं मैंने, पर भाई अभी से इतना निगेटिव क्यों होना है। जी सर, इंटरव्यू में सिर्फ लक चलता है, और फिर तुम लोगों के पास तो अभी बहुत समय है। देखो, मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम लोग कोई अच्छी सी कोचिंग करो और जीएस और करंट अफेयर्स पर नजर रखो। बिल्कुल सर। ठीक है जी, समझे। और फिर ये नोट्स तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा। जी सर। अब ये मेरे किस काम के हैं, है ना। जी सर। अच्छा चलो, मैं थोड़ा बाजार जाने की सोच रहा था, चाय पियोगे। शर्मा जी के हैं। हाँ, और कहाँ, यहाँ बनाएंगे क्या। चलिए चलते हैं सर। चलो आओ। हाई स्कूल में पढ़ते हो, पीछा क्यों करते हो मेरा, प्यार करते हो मुझसे। पढ़ाई का टाइम है, बोझ जाने वाले तुम्हारे, पढ़ाई पर ध्यान दो वरना तुम्हारे घर पे शिकायत कर दूंगी। सुधीर। हुँ? तेरा चेला आया है। कौन? अरे पुत्तन, जरा अच्छे से पढ़ाना, मामला बड़ा संगीन है भाई। नमस्ते भैया। अरे जीते रहो जीते रहो, गुरुजी तुम्हारे बैठे हैं भाई। आओ पुत्तन। नमस्ते सर। ठीक है बैठो। पुत्तन, तुमने फाइनल ईयर में संस्कृत ही क्यों चुना? हमारे पिताजी के दोस्त हैं, उन्होंने ही कहा था कि संस्कृत ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स आता है। फुल मार्क्स तो छोड़िए, आधे का भी आधा नहीं आया तब से। देखो पुत्तन, अगर तुम मन लगाकर नहीं पढ़ोगे तो एक लिमिट के बाद यूनिवर्सिटी तुम्हें निकाल देगी। ऐसे कैसे निकाल देगी, हमारे पिताजी को जानते नहीं है क्या? अगर तुम्हारे पिताजी का ही बस चलता तो तुम फेल क्यों होते? देखो पुत्तन,
तुम्हारे पिताजी बहुत चिंतित रहते हैं। अगर तुम फाइनल ईयर क्लियर कर लोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें नौकरी पे लगवा देंगे, समझे? लाइफ तुम्हारी सुधर जाएगी। मन लगा के पढ़ लो बेटा, अभी उम्र है, नहीं तो हालत हमारी जैसी हो जाएगी। क्यों? आप लोग बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप लोग जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं ना, हमारे भले के लिए तो कह रहे हैं ना। आप अगर पढ़ाएंगे ना भैया तो मैं ज़रूर आपके पास पढ़ने आऊँगा। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। वो क्या? मैं शुक्रवार को नहीं आऊँगा। शुक्रवार को क्यों? शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती है ना, और फर्स्ट डे फर्स्ट शो। लेकिन भैया हाँ, एक रिक्वेस्ट है, पिताजी से मत बताइएगा वरना बहुत मारते हैं हमको। आप जो कहेंगे ना वो मैं करूंगा, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, पिताजी से मत बताइएगा। ठीक है, चलो ये चैप्टर अभी शुरू करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। भैया मैं तो कहती हूं कि आरती की शादी के बारे में सोचो। एमए कर ली है वो, अब बस बहुत है। एमए नहीं, एमकॉम। अरे हाँ वही, जो भी, क्या एमकॉम। और फिर भैया ससुराल में जाके खाना पीना ही तो बनाना है। अब उसे एमए एमएससी कराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो उसके लिए। एमकॉम आखिर उससे भी तो पूछो कि उसकी मर्जी क्या है। अरे वो क्या चाहेगी, अगर उसकी माँ जिंदा होती ना तो वो भी यही चाहती। अरे भैया जब लड़की सयानी हो जाती है ना तो उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। जमाना बहुत खराब है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। एक लड़का है मेरी निगाह में। है? पढ़ा लिखा है, कटरा में किराने की दुकान है। अरे वाह। लेकिन आरती से भी पूछना पड़ेगा कि उसकी मर्जी क्या है, एक बार बात करो ना उससे। बस तुम जैसे बाप लोगों ने अपने सर पर बेटियों को चढ़ा रखा है। मैं उससे बात करके देखती हूँ। सुधीर भाई, लो भैया तुम्हारे नोट्स का इंतजाम हो गया। अरे सुनो, हमें यार बर्तन धुल दिए। हाँ कुछ खाना बनाओ यार, भूख लगी। कहाँ बनाए यार, देखो क्या पड़ा है अपने पास। अरे चावल के अलावा क्या होगा हम गरीबों के पास। अरे तो डाल दो तहरी। हाँ वही करेंगे। मिर्चा वर्चा है कि नहीं यार? अरे मिर्चा ले आओ, उसके बिना मजा नहीं आएगा यार। अब खरीद के मत लाओ यार, किसी पड़ोसी से मांग लो, धन्ना सेठ बन जाते हो हैं? अबे सुधीर। हाँ एक चीज बताओ यार। बोलो। ये लगन कब से स्टार्ट हो रही है? अबे तुम लगन का क्या करोगे? क्या करेंगे क्या, भूल गया क्या पिछले साल हैं? छक के कितना दावत खाए थे हम लोग, कुंदन गेस्ट हाउस याद है? अबे हाँ यार, अबे तुम तो मिठाई पे टूट पड़े थे। और तुम, तुमने शर्त नहीं लगाई थी कि दूल्हे के बगल में कौन खड़ा होकर फोटो खिंचवाएगा? और बेटा याद है ना, अबे तुम सर थार गए थे और तुमने अभी तक पैसा भी नहीं दिया। अब पैसा दोगे तभी तहरी बनाएंगे, जाओ। अबे ऐसा है कि तुम पिटते पिटते बचे उस दिन। क्या पिटते पिटते बचे थे? अबे हाँ वो जो मूछ वाला आदमी था ना, कैसे देख रहा था। वो कहते हैं ना चोर की दारी में तिनका, तुम तो पहले भाग लिए थे गुरु।
आरती, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात है बुआ, आज बड़े प्यार से बात कर रही हैं। बताइए। अरे तू मेरी भतीजी है, तुझसे प्यार से नहीं बात करूंगी तो किससे करूंगी? बेटा तेरा ये कोर्स कंप्लीट हो गया है, हाँ। है ना? आरती, तेरे पापा ने एक लड़का देखा है और वो उससे तेरी शादी की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा, अरे भैया एक बार आरती से तो पूछ लो। बुआ, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पहले अपना एमकॉम खत्म करना है, उसके बाद कोई अच्छी सी जॉब, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में कुछ डिसाइड करूंगी। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही है, आज के जमाने में सरकारी नौकरियां हैं कहाँ? मैंने कब बोला मुझे सरकारी नौकरी करनी है? तो मैं तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके टीचर बनना चाहते हूँ, बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहते हूँ, यही सपना है मेरा। बेटा तेरे बच्चे होंगे ना तो उनका भविष्य सुधार लेना और तेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। अरे बेटा लड़का बहुत अच्छा है। क्या करता है? कटरा में किराने की बहुत बड़ी सी दुकान है। किराने की दुकान है? बहुत बड़ी। नहीं करनी है मुझको शादी। क्यों, क्यों नहीं करनी है शादी? हाँ, और क्यों, इतना काफी नहीं है? और सुन, ये किताबें छोड़ और चलकर खाना वाना बनाना सीख ले, जो ससुराल में काम आएगा तेरे। बुआ, जब मुझसे ससुराल में खाना ही बनवाना था तो बचपन से अभी तक मुझको पढ़ाया ही क्यों? अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो ये सब कभी नहीं होने देती। देख, मैं ही तेरी माँ हूँ, इसलिए तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, समझी? दो चार दिन के लिए हम गांव जा रहे हैं, इस बीच जो तुमने पढ़ा है उसे रिवाइज करते रहना, भूल मत जाना, ठीक है? पर क्या करें, हमारा मन एक जगह लगता ही नहीं। अब देखिए ना, पिताजी के इकलौते हैं, कई घर हैं, कई दुकानें हैं, उन सब का किराया, पिताजी खुद सरकारी नौकरी में, टेबल के नीचे से ही पैसे आते, ये सब हमारे लिए तो है ना। आप लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, भगवान आप लोग को बहुत बड़ा अधिकारी बनाए, पढ़ाई हमारे बस का नहीं है, हम पास हो जाए बहुत है। और हमको ये भी पता है कि हम जिस दिन पास हो गए ना, हमारे पिताजी कुछ ना कुछ खिला पिला कर हमको सेट कर देंगे। लेकिन अभी तो पढ़ो। नमस्ते भैया। नमस्ते किशन भैया, नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। भैया, हमारा भैया मुंबई में रहता है, एक बात बताएं, हम सुधीर को वहां भेज दीजिए। अरे वहां जाकर कोई नौकरी वोकरी करे, आखिर कब तक आप उसे पढ़ाते रहोगे? एमए कर लिया है, ये क्या कोई कम है? अपने गांव में है कोई एमए पास? हमारा भैया जब से मुंबई गया है ना, पैसा कमा रहा है पैसा। अब भले ही वो मजदूरी करता हो, उससे क्या लेना देना, आखिर पैसा तो कमा रहा है ना। अब तुम ही समझा दो भैया उसको, हम तो ना कह पाएंगे। अरे भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। अरे हम नहीं समझाएंगे तो वो बिगड़ भी सकता है ना, आखिर उसकी उम्र भी हो गई है, अब काम नहीं करेगा तो उसकी शादी ब्याह भी नहीं हो पाएगी। अच्छा सुधीर तो गांव आने वाला है ना? हाँ, आने वाला है। हाँ, तो आप उसे हमारे पास भेज दीजिएगा, हम उसे अच्छी तरीके से समझा देंगे,
और आप चिंता विंता मत किया कीजिए। इस पेड़ के नीचे बैठ के ऐसे घर पे आराम से खाना पीना खा कर सोइए। अच्छा तो भैया हम चल रहे हैं, ठीक है भैया? उसे भेज दीजिएगा, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है किशन। सुधीर भाई, क्या हुआ? रिजल्ट आ गया। सर्वे स्तर का क्या हुआ? पता नहीं, चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो चलो। कहाँ गए होंगे? पता नहीं यार, कहीं शर्मा के दुकान पर तो नहीं गए हैं? हाँ हो सकता है। तुम चलो मैं आता हूँ। इस डूबते हुए सूरज को देख रहे हो सुधीर? दुनिया इसे अंत का प्रतीक मानती है, मगर आज मैंने पाया है कि ये अपने अंत की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि ये वापस आने के लिए जा रहा है, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई गर्माहट के साथ। क्या करोगी? तुम्हारी बुआ ने ससुराल में भी किसी की नहीं सुनी, यहाँ पर क्या खाक सुनेगी? सॉरी सॉरी, मुझे ना माँ की बहुत याद आती है। अगर वो आज यहाँ होती तो मेरी सिचुएशन जरूर समझती। देख तो रही हो पूरे घर में मेरी शादी को लेके कैसा हंगामा मचा हुआ है। तो कर लो ना शादी, अब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं। और होता तो भाग जाती उसके साथ। भाग जाऊं या घर पे शादी करूं, बात तो वही हुई ना। लेकिन बुआ से छुटकारा पाने का एक सलूशन है, सुसाइड कर लो। क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का? जहां जहां तुमने आवेदन किया था वहां से कोई अच्छी खबर है क्या? चाचा मेहनत तो कर ही रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि बीएड भी कर ही लें। देखो सुधीर, तुम्हारे पिताजी आखिर कब तक रुपए पैसे का इंतजाम करते रहेंगे? बेचारे बूढ़े हो गए हैं, अब वक्त आ गया है कि तुम भी कुछ काम धंधा करो। अब तुम्हें भी अपने घर का भार संभालना चाहिए। देखो मैंने अपने भैया से बात कर ली है, तुम मुंबई जाओ और वहां पर तुम्हें कोई ना कोई अच्छा काम मिल ही जाएगा। गांव के लोगों ने तुम्हारे पिताजी का जीना हराम कर दिया है सवाल पूछ पूछ के। क्या जवाब दें बेचारे, और किस किस को जवाब दें? तुम घर के बड़े हो, घर की जिम्मेदारी को समझो। कितनी जिम्मेदारी है उन पर, छोटे भाई की भी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। माँ दिन भर घर का काम करती रहती हैं, सोचती हैं कि कल तुमको नौकरी मिलेगी, उसकी शादी होगी, घर में बहू आएगी, घर का काम काज करेगी, मगर तुम तो कुछ सोचते ही नहीं हो। देखो ज्यादा सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं, मुंबई जाओ, कोई अच्छा सा काम ढूंढो वहां पे, और मुझे विश्वास है कि तुम्हें काम मिल ही जाएगा।
तो अब तुम मुंबई जा रहे हो। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़े लिखे नहीं होते तो ज्यादा अच्छा था, कम से कम गांव में जाके खेती बाड़ी तो कर सकते थे। लोग कहेंगे जब यही काम करना था तो पढ़ाई लिखाई क्यों की, पिताजी का पैसा खर्च क्यों करवाया। कुछ भी कहते हैं लोग। बात तो सही कह रहे हो, हम भी जब गांव जाते हैं, गाय भैंसों को चारा लगाते हैं, तो लोग कहते हैं पढ़े लिखे हो, तुमको ये काम शोभा नहीं देता। घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे और ना ही उनका कोई डर है, लेकिन बाहर वाले वो जीने नहीं देंगे। सर, पहले भी इतनी बेरोजगारी थी या सिर्फ आजकल ही है? नहीं, पहले इतनी तो नहीं थी। दरअसल पहले अक्सर लोग पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया करते। अच्छा। और जो पढ़ाई पूरी भी कर लेते थे वो अपने खानदानी धंधे में लग जाते थे। लेकिन अब हालत यह है कि अगर कोई पड़ोस वाला भी आईएएस बन गया तो हम भी चाहते हैं कि हमारा बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने। भाई अब सरकारी नौकरी सबको तो मिल नहीं सकती, और जिसको नहीं मिली वो कहीं का नहीं रह जाता, ना वो अपना खानदानी धंधा कर सकता है और ना ही खेती बाड़ी। सर, भाई बेरोजगारी की समस्या तो अंग्रेजों के जमाने में भी थी। दरअसल उन्होंने हमारे देश की जड़ें खोखली कर दी। वो हमारा कच्चा माल वहां ले जाते और वहां से तैयार माल यहां ले आते। नतीजा ये हुआ कि हमारे उद्योग धंधे बिल्कुल नष्ट हो गए। लॉर्ड मैकॉले ने ऐसे शिक्षा पद्धति को जन्म दिया कि सस्ते क्लर्क पैदा हो सके, और वो अंग्रेजों की पॉलिसी के मुताबिक काम कर सके। अब उन्होंने ऐसी बाबूगिरी की परंपरा डाल दी कि लोग छोटे काम करने में अपनी तोहीन समझने लगे और सब सरकारी नौकरियों के पीछे भागने लगे। अब सरकार के पास इतनी सीट तो है नहीं कि वो सबको एकोमोडेट कर सके। बस वहीं से यह समस्या शुरू हो गई। वैसे सुधीर, एक बात बताऊं, इस शिक्षा पद्धति ने कलम के बाबू तो बहुत दिए लेकिन देश के कर्णधार नहीं दिए। लोग सरकारी नौकरी के ही चक्कर में लगे रहते हैं और साल दर साल उसी की कोशिश करते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि बेरोजगारों की एक कतार खड़ी हो जाती है, और अपने देश की जनसंख्या तो तुम देख ही रहे हो, जो बेरोजगारी का मूल कारण बन गई है। एक बेकार बैठा हुआ आदमी अपना आत्मविश्वास तो खोता ही है, साथ ही अपने परिवार, समाज और देश पर भी बोझ बन जाता है। सर, इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय? हाँ। देश की राजनीतिक स्थिति तो तुम देख ही रहे हो। मेरे हिसाब से मानसिक रूप से तो सबसे बड़े बेरोजगार वही हैं। हमें अगर इन सारी समस्याओं को सुलझाना है तो हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। भाई शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि बौद्धिक विकास होना चाहिए।
भाई नौकरी पाने के लिए हमें अपनी शिक्षा और बुद्धिमत्ता के हिसाब से ही प्रयास करना चाहिए। वक्त काफी हो गया है सुधीर, अब हमें चलना चाहिए। जी सर। ओके, जीते रहो। कभी घर आओ तो इस विषय में डिटेल में बातचीत करते हैं। ठीक है सर। क्या हुआ, कल ही तो पढ़ाया था, सब भूल गए क्या? क्या करे भैया, आप जो भी पढ़ाते हैं ना वो हमको सब याद रहता है, पर यहाँ से जैसे ही बाहर जाते हैं सब दिमाग से आउट हो जाता है। शंख पुष्पी पिया करो या बादाम का शरबत, बुद्धि तेज हो जाएगी तुम्हारी। और वैसे भी तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, अपनी खोपड़िया काहे चेंज करवा लेते हो? क्या बात कर रहे हैं, दिमाग भी ट्रांसफर होता है? अरे हमको पहले पता होता तो अपने प्रिंसिपल का दिमाग अपने में सेट कर लिया होता, यूनिवर्सिटी कब का टॉप कर गया होता मैं। जितना पढ़ना है पढ़ लो, तुम्हारे गुरुजी मुंबई जा रहे हैं। हाँ सर, सिनेमा में काम करने तो नहीं जा रहे, वहां बहुत शूटिंग होता है। वो क्या है कि हमको भी ना बचपन से पिक्चर देखने का बड़ा शौक है, गुरुजी थोड़ा बहुत एक्टिंग भी कर लेते, देखिए अगर हमारे लिए भी कुछ है तो। और सुनिए, पैसे का टेंशन मत लीजिएगा, हम है ना। देखो पुत्तन, हम घूमने नहीं जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ तुम्हारे एग्जाम्स हैं, मन लगाओ पढ़ाई में, ठीक है? चलो पढ़ो अभी। अरे ले जाओ भैया, ये हीरो से कोनो कम है का? बाप के पास बहुत पैसा है इनके। मुंबई पहुंच के कॉल कर देना। इसमें कुछ खाने के लिए, खा लेना, इधर रख रहा हूं। रुन झुन बाजे मनवा, हर क्षण हर पल कांपे मनवा, रुन झुन बाजे मनवा, हर क्षण हर पल कांपे मनवा। काहे दियो परदेस, काहे दियो परदेस, काहे दियो परदेस। रुन झुन बाजे मनवा, ओ, 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 ओ
जमझाला फिर काहे दियारा लागे हो कारी आंखें कारी माया सुन है सुना डोर डगरिया कच 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 भीड़ सहरिया लोग बहुत है शोर बहुत है का ढूंढे का चाहे मनवा काहे दियो परदेस काहे दियो परदेस काहे दियो परदेस रुन जुन बाजे भाई साहब हाँ ये राम सेवक जी का घर किधर है बता हाँ यहाँ से राइट लेने का राइट लेके पहला लेफ्ट लेने का यहाँ से राइट हाँ पहला लेफ्ट लेंगा तो तीन गली पड़ेगा तीन गली के अंदर जो पहली दूसरी तीसरी में जाने का उससे राइट लेने का राइट लेके एक मोड़ पड़ेगा उस मोड़ से लेफ्ट लेने का पीला मकान आएगा उसमें नहीं जाने का उसके आगे एक हरा मकान आएगा हरे के आगे जो पीला है वही चाहे देखो ये कैसा है भूल भुलैया सब चक्कर काटे कोई बचे ना भैया देखो ये कैसा है भूल भुलैया सब चक्कर काटे कोई बचे ना भैया ये मुंबई नगरिया ये मुंबई नगरिया ये मुंबई नगरिया ये ए विडू ए रास्ता भटक गया ना अरे इधर तो हम रास्ता भटक जाता है तू तो नया आदमी है चल छोड़ के आता हूँ तेरे को आजा यहाँ बरसों में हर चीज़ पार्टी होता है बच्चा पैदा हुआ तो पार्टी क्रिकेट में जीता तो पार्टी फुटबॉल में जीता तो पार्टी पतंग उड़ाया तो पार्टी किसी का मजाक उड़ाया तो पार्टी ये पार्टी वाला गांव है बाप टेंशन नहीं लेने का यहाँ का कोली लोग बहुत अच्छा है मच्छी खाने का बॉडी बनाने का ये आ गया तेरा पता राम सेवक का घर धन्यवाद चल मिलते हैं फिर जी हैं अरे भाई कचरा नहीं है आज हम कचरा वाले नहीं सुधीर हैं इलाहाबाद से आए हैं अरे सुधीर बेटा तुम प्रणाम हमने सोचा कचरे वाला है उसका टाइम भी यही है आने का तुम्हारे बाबूजी का फोन आया था बता रहे थे तुम आने वाले हो आओ आओ आ जाओ आ जाओ संभल के आना और बाबूजी कैसे हैं तुम्हारे बढ़िया हैं आ जाओ यहीं रख दो भाई ये है अपना गरीब खाना और तुम्हारे बाबूजी बोले हमारे लड़का आ रहा है उसे कमरा दिला देना हमने कहा भाई दूर के भाई सही पर हैं तो भाई ही ना अब जब हमारा कमरा है तो कमरा लेने की क्या ज़रूरत है और वैसे भी यहाँ बहुत मगजमारी है पहले 50,000 डिपॉजिट दो फिर ब्रोकरी उसके बाद भी सरदर्दी ये रूम है तो फिर रूम की क्या ज़रूरत है हम तीन लोग रहते हैं तुम भी हमारे साथ रह सकते हो रह लोगे ना हाँ तो फिर ठीक है हाँ
ये हैं जगजीत, ये सेल्समैन ही करते हैं, पेन बेचते हैं घर घर जाकर, इनके पैर में चक्कर है। अरे चाचा परिचय तो सही से कराओ, अपर सेल्समैन है हम। हाँ हाँ ठीक है, वही सेल्समैन है। और ये जो सो रहा है ये है बिरजू, फिल्म लाइन में काम करता है और रात भर डायलॉग बोलता रहता है। अरे चाचा हम फिल्म लाइन में बड़ा काम करने के लिए आए हैं और एक दिन बड़ा काम करके दिखाएंगे। हाँ ठीक है, ये फिल्मों में हीरो को चाय पिलाता है, स्पॉट बॉय है। हम आपकी तरह लोगों को घूम घूम के चाय नहीं पिलाते, बल्कि बड़े बड़े लोगों को चाय पिलाते हैं। अरे हाँ भाई साहब, आपका नाम क्या है? चाचा सुधीर के लिए और हम सबके लिए चाय बना के लाइए। ठीक है सो जाओ। बेटा जी, तुम ऊपर जाकर हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं चाय बनाता हूँ। अच्छा। अरे रुको बेटा, लड्डू खाकर जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, दो चार किलो लड्डू बांध दो, वहाँ बैठ के लड्डू ही खाएगा। पिताजी देखिएगा, इस बार जरूर पास हो गया हम। बेटा अगर पास हो गया ना तो तुम्हारी नौकरी लगवाने की गारंटी मेरी, और अगर फेल हुए तो भेज दूंगा गांव और वहां खेत जुतवाऊंगा, और वो भी बिना ट्रैक्टर। क्या है, एक ही तो बेटा है हमारा, उससे भी आप खेत जुतवाने की बातें करते रहते हैं। हाँ हाँ, तो कलेक्टर बनवा दो इसको। अरे बहुत देखी है दुनिया मैंने, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो क्या जरूरत थी पालने में हमारे पांव देखने की, थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे क्या? अच्छा बेटा, बाप से ही टंडई ली। और तुम बस बेटे को ही लड्डू खिलाती रहती हो, जरा मैं भी तो खाऊं। चलो आओ अंदर। बाजे मनवा हर क्षण हर पल कांपे मनवा, रुन झुन बाजे मनवा हर क्षण हर पल कांपे मनवा, काहे दियो पर दे दियो पर दे, काहे दियो पर दे, रुन झुन बाजे मनवा। रुन झुन बाजे मनवा।
ये वाशी का किराया कितना है? 30 रुपया। थैंक यू। 9 बज गए। भाई साहब टाइम क्या हुआ? 10 बज गए। भाई साहब 11:30 हो गए। भाई साहब आप मेरी घड़ी खरीदेंगे? मैं समझा नहीं। आप मेरी घड़ी खरीद लीजिए। बड़ी अजीब सी बात है, इस समय में और ऐसी जगह पे खरीद फरोख्त की बात कुछ समझ नहीं है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और जरूरत समय और जगह देखकर नहीं आती। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको आपका समय बेचने पर मजबूर होना पड़ा? दरअसल मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है वाशी, और मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है कि मैं वहां जाकर लौट भी सकूं। और इस समय इस घड़ी से ज्यादा जरूरत मुझे उस 10 रुपए की नोट की है, जिससे मैं जिंदगी गाड़ी चलाने के लिए एक और प्रयास कर सकूं। समर, सुधीर, मैं समझ गया। आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे। चलिए ना, मैं आपके साथ आपके इंटरव्यू में चलता हूँ, और जो भी पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं आपको दूंगा। धन्यवाद। इंटरव्यू के बाद जितनी मदद हो सकेगी मैं आपकी करूंगा। मदद? वो भी इस शहर में? ताज्जुब है? अब इस दुनिया में ताज्जुब जैसा कुछ नहीं रहा। अब जो भी कुछ हो रहा है ये कोई ताज्जुब से कम नहीं है। देखिए अब आपकी बस भी आ गई। चलें। अरे हाँ, ये रही। लो भाई, आ गई तुम्हारी मंजिल। जम के इंटरव्यू देना। मुझे लगता है ना इस बार मेरा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। बिल्कुल होगा दोस्त, हम भी बहुत ऊंची चीजें हैं, किसी की मदद ऐसे ही नहीं करते। अच्छा आप जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम वहां बस स्टॉप पर क्यों खड़े हुए थे और बार बार टाइम क्यों पूछ रहे थे, जबकि मुझे लगता है कि तुम्हें कहीं जाना नहीं था, नहीं तुम यूं मेरे साथ ना चल देते, है ना? मुझे कहीं जाना नहीं था, मैं किसी का इंतजार कर रहा था।
9:30 का समय था, 12 बज गए थे, पर वो आई नहीं। कोई खास थी? खास होते होते रह गई। ओ अभी उसका बैड लक। चलो वो ना सही हम सही, मेरा गुड लक। अब उतने खास हो पाए ये जरूरी नहीं, अब अच्छे दोस्त हो ही सकते हो ना। चलो ऑल द बेस्ट, यही इंतजार करता हूँ तुम्हारा। धन्यवाद। आज कहीं और जाना है तुम्हें? नहीं, और ना ही मेरा कोई इंतजार कर रहा है। एक जगह है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा घर? चलोगे? बहुत सिगरेट पीता था मैं, छोड़ दी, फेफड़े जला देती है। क्या हुआ इंटरव्यू में? होना क्या था, कंप्यूटर की नॉलेज ना होने की वजह से रिजेक्ट हो गया। कितना समय हो गया तुझे मुंबई में, और कितने इंटरव्यू दे चुके हो? 1 महीने से ज्यादा, और 8 से 10 इंटरव्यू दे चुका हूं। कंप्यूटर नॉलेज ना होने की वजह से सब जगह ना मैं जवाब आया। एक जगह तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मेरे पास काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो तुझे क्या लगा कि मुंबई में आते ही तुझे नौकरी मिल जाएगी? इस मुंबई शहर में सिर्फ खड़े होने भर की जगह बनाने के लिए सालों लग जाते हैं दोस्त। भाई साहब मैंने भी तो सालों दिए, हर क्लास में मेहनत करके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, सोशल साइंस में एमए किया है, फर्स्ट क्लास में। एमए तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई तुम्हें प्रधानमंत्री की पोस्ट मिल जाएगी। इस शहर को सोशल साइंस की नहीं कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है। इसका मतलब मेरी सारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो जाएगी? सच बोलो तो हाँ, जब तक तुम्हारी फाइल में एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं लगेंगे जैसे कि कंप्यूटर कोर्स या डिग्री या फिर कोई कमर्शियल कोर्स, तब तक यार तब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है सुधीर। अरे यार मैं ऐसे गांव से आया हूं जहां पढ़ाई लिखाई के रास्ते को नहीं अपनाते, 14-15 साल होते ही वो गांव छोड़ शहर की ओर कमाने निकल जाते हैं। इसके बावजूद मेरे अनपढ़ माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझा और मुझे एमए तक पढ़ाया। उन्हें तो अब विश्वास हो गया होगा कि उनके दुख के दिन दूर हो गए, मेरी नौकरी लग चुकी होगी, लेकिन क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिम्मत से काम लो यार, सब ठीक हो जाए। क्या हिम्मत से काम लो? माना कि मेरा बाप अनपढ़ था, उन्हें तो बस यही लगा कि बीए एमए करने के बाद मेरी सरकारी पक्की नौकरी लग जाएगी, लेकिन उन टीचर्स को क्या कहूं जिन्हें सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने स्टूडेंट्स को अंधेरे में रखा। तो उसका तो सिर्फ एक ही उपाय है कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करो, पर अब इसको करेगा कौन? सिर्फ सरकार ही कुछ कर सकती है। सरकार क्या करेगी, आखिर सरकार चलाता कौन है? उन्हें तो बस अपने निजी स्वार्थ से मतलब है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि कोई अनपढ़ रह के मरे या पढ़ लिख कर मरे? अरे फर्क तो उन्हें पड़ता है जिनके पास प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए कोई साधन नहीं है और जिनके माँ बाप असलियत से अनजान है। देख सरकार जब करेगी तब करेगी, पर अभी तो हमें यह सोचना है कि हमने तथाकथित डिग्री के साथ करना क्या है। क्या
कभी कभी मेरा दिल करता है कि आत्महत्या कर लो। देख सुधीर, नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। देख अभी तो इस समर में बहुत गर्मी लग रही है, चला तुझे कुछ ठंडा पिलाता हूं, फिर मैं हूं ना, मैं तेरी प्रॉब्लम सब सॉल्व कर दूंगा। चल तो चल। एक बात बोल, तू कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर ले। यार मेरे पास जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं है, 1000 रुपए कहां से लाऊंगा कंप्यूटर कोर्स के लिए, डाका डालकर? हाँ डाका डालकर। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, देख मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भूख और बेकारी से तंग आकर आत्महत्या करने से बेहतर है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें आत्महत्या ना करनी पड़े। जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और जिंदा रहना सबसे बड़ा नैतिक धर्म। जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना कानून ना धर्म, ना ही तुम्हारी नैतिकता अनैतिकता, कुछ भी नहीं। कमाल है, डाकू चोर लुटेरा बनकर खुशियां बटोरने के लिए तर्क पेश किए जा रहे हैं, हाँ? वाह। खुशियां नहीं सिर्फ जरूरत। तो दोस्त कहाँ डालोगे डाका, बैंक में? बंदूक बंदूक है तुम्हारे पास? देख हम कोई पेशेवर चोर या डाकू नहीं है और ना ही हमें हथियारों की जरूरत है। हमारी जरूरत सिर्फ उतनी है जब तक तुम्हारी फीस जमा हो तब तक, और वो भी जब तक तेरी नौकरी नहीं लगती सिर्फ तब तक। देख ज्यादा मत सोच, हफ्ते में एक आध बार हम किसी सुनसान जगह पर घूमने जाएंगे, कोई चेन या कोई महंगा मोबाइल, बस हो जाएगा काम। लोग एक एक पैसा जुटाकर अपनी मनपसंद चीजें खरीदते हैं और हम उसे ऐसे। देख दोस्त ये किताबी बातें इस दुनिया में नहीं चलती, तुझे पता करोड़ों लोग इस दुनिया में भूख से मर जाते हैं और कुछ लोग खा खा कर। सबके पास पेट भर खाने तक का इंतजाम नहीं है, और जिन लोगों के पास खाने के बाद बच जाता है वो लोग महंगी महंगी चीजें खरीद कर और बनाकर अपना पैसा जाया करते हैं। ऐसे में अगर भूख से बिलबिलाता आदमी अगर किसी की चेन छीन भी ले तो क्या गलत है? चेन की वजह से कभी कोई आदमी नहीं मरता, पर भूख की वजह से? देख मैंने तुझसे बोला था कि मैं तेरी मदद करूंगा, पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद यही करता हूं और नौकरी ना मिलने तक यही करता रहूंगा। कल वर्सोवा में मैं तेरा इंतजार करूंगा, अगर आ गया तो मैं तेरी सहमति समझूंगा, नहीं तो अपनी जिंदगी अपने रास्ते। वेलकम दोस्त। क्या हुआ भाई, बहुत उदास है, सुबह से कुछ खाया नहीं क्या? मेरा दिल गवाही नहीं देता यार, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। क्या हुआ, रात को कोई गीता का पाठ पढ़ लिया क्या? गीता के पाठ की बात नहीं है भाई, जो बात गलत है वो है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि सरकार हमें ये काम करने से कोई इनाम दे देगी, तो क्या भूखे मर जाएं? अपने सपनों को क्या चकनाचूर होने दें?
सपनों से ज्यादा अहमियत आत्मसम्मान की होती है। चलो ये सब करके अगर हमने अपने सपने पूरे कर भी लिए तो भी जिंदगी भर आत्मग्लानी रहेगी। श्री 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 1008 सुधीर जी महाराज, हमने आपको कल ही कहा था अगर सहमत हो तो ही आना, नहीं तो आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। मैं तो चला। मतलब? आना है तो वाव, नहीं तो मतलब क्या तीन लेंगे। उस्मान भाई, नया माल दुकान में है क्या? मेरा एक दोस्त आ रहा है, रतन, बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ उससे, आज बुलाया उसे, आया नहीं अभी तक। हेलो यार, कहाँ है तेरा घर यार? अरे तुझे एड्रेस दिया तो था मैंने। अरे यार पीली वाली बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, तू जल्दी आ यार। अच्छा 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 अच्छा, तो तू वहीं रुक, मैं आता हूँ। हाँ अरे ऊपर देख, और ऊपर किधर? हाँ ये, अरे ये वाली सीढ़ियाँ ले लो ऊपर। हाँ हाँ हाँ, यहीं पे आ जा 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 जा। हाँ आया। हाँ अरे आ जा 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 जा। ये सुधीर, नमस्ते, नमस्ते। और ये मेरा दोस्त रतन। बैठो बैठो बैठो, बैठना। और भाई समर, बहुत दिनों के बाद याद किया। बस यार ऐसे ही थोड़ा काम में बिजी था। और तू बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? भाई फर्स्ट क्लास भाई, अपना काम ठीक से हो इसलिए मैंने अपने अंडर में 4 टीम बना लिए, सबका काम बांट दिया है, सब मुझे रिपोर्ट करते हैं। भाई जिसका काम पूरा नहीं उसका उस दिन का पैसा गया, इस बहाने सब लोग लगे रहते हैं। भाई हम लीडर, वो सब हमारे समर्थक कार्यकर्ता। 2 महीने में 6 महीने का टारगेट पूरा किया। भाई बॉस खुश तो हम भी खुश। भाई एक बार आप किसी चीज को ठान लो सब हो जाता है। भाई इंश्योरेंस बेचना मतलब पब्लिक को उल्लू बनाना, एक बार आप करने पे आ जाओ तो सब हो जाता है। अब रतन, सुधीर के लिए भी कुछ करना है। अरे भाई बियर किधर है? अरे नीचे ही दुकान है, 2 मिनट में आया। भाई ये भी कोई बात है, तू तो फोन पे बोल रहा था कि भाई तू बियर साथ में लेकर आएगा। अरे 2 मिनट में आ जाएगी, नीचे ही तो दुकान है। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों बात करो, मैं यूं गया और यूं आया। देख ये है सुधीर, रतन ये सारे काम बहुत बढ़िया तरीके से कर लेता है। क्यों सुधीर, है ना? हाँ भाई साहब, जल्दी लेकर आओ, आज तेरी शाम मैं एकदम रंगीन कर दूंगा, तू चिंता मत कर, बस तुम दोनों बातें करो। भाई सुधीर तुम्हें काम का कुछ एक्सपीरियंस है? जी अभी तो मैं इस शहर में नया आया हूँ, एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन समाज शास्त्र में मैंने एमए किया हुआ है। भाई एक एक्सपीरियंस एमए पर भारी है, बाहर तुम किसी ऑटो वाले से पूछो वो भी एमए बीए निकलेगा। पर चिंता की कोई बात नहीं, प्राइवेट सेक्टरों में कुछ जगहों पर तुम्हारा काम बन सकता है, कॉल सेंटर या फिर मार्केटिंग। तुम्हारी अंग्रेजी कैसी है? इंग्लिश फ्लुएंसी उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ग्रामर अच्छा है। भाई देखो सुधीर, तुम्हें अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी, अंग्रेजी में बेचोगे तो थूक भी इस देश में बिक जाता है, और हिंदी में अमृत भी कोई खरीदता नहीं। क्यों?
समर के कहने पर हमने एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया है, अंग्रेजी की भी कर लेंगे। भाई, आ गई आपकी बियर, तो बस हो जाओ शुरू। भाई समर, ये जो तुम्हारा दोस्त सुधीर है, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरी इनकी अंग्रेजी भी माशाल्लाह। देख रतन, तू कोई माँ के पेट से तो नहीं सीख के आया ना, मुझे पता है तूने कितनी मेहनत करी है। अभी सुधीर ने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, अगर तू कहेगा तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लेगा। यार अब तू इसे डरा मत, अगर अपने अंडर ज्वाइन करा सकता है तो करा ले। समर ये महीने जाने दो, अगले महीने कुछ चक्कर चलाते हैं। देखो दोस्त, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हर जगह से पसीना बहाना पड़ेगा, बॉस की गालियों को मंत्र की तरह लेना पड़ेगा। गालियां सुन सुन कर आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। क्यों, मेरे साथ के तो सब लोग भाग गए, मैं टिका रहा इस मार्केटिंग में। बहुत कुछ करना पड़ता है टारगेट को पूरा करने के लिए, हर तरह के कस्टमर मिलते हैं। कुछ आपको भगा देंगे, कुछ आपको गालियां देकर भगा देंगे, और कुछ आपको चाय पिलाकर भेजेंगे। भाई एक बात है जो लाख रुपए की बात है, लाख रुपए की एक बात, जिसने एक बार मार्केटिंग कर ली वो जिंदगी में कभी भी कहीं भी फेल नहीं हो सकता। क्या बात है, इसी बात पे हो जाए चेयर्स। और भाई समर, ये तो बता भाई, बड़े ठाट है तेरे, तू करता क्या है? बस यार कुछ छोटा मोटा धंधा है, तेरे को जल्दी गुड न्यूज दूंगा, थोड़ा इंतजार और कर ले बस। लेकिन भाई सुधीर को भी तो कुछ दो। अरे ये बियर नहीं पीता है, कोक सुधीर लो ना, ये सिर्फ कोक पीता है। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगा जब काम का प्रेशर पड़ेगा। क्यों ये बात तूने सही कही। चलो भाई पियो। चीयर्स। चीयर्स। अरे सुनो भाई, ये उस्मान भाई की दुकान क्यों बंद है? पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ समर बोलो। सुधीर गड़बड़ हो गई है, सुबह मैं उस्मान भाई की दुकान पे गया था, वहां पे ताला लगा और पूछा तो उन्होंने कहा कि उस्मान भाई को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? वो मुझे जानता और उसने तुझे भी देखा, देख अगर मैं पकड़ा गया तो तू भी पकड़ा जाए। आज ही रात ही मुझे ट्रेन पकड़ के तू अपने गांव चला, मैं भी जा रहा हूं। अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं। चल। अच्छा भाई साहब, जल्दी खबर करते हैं। नमस्ते। अरे आरती भी आ गई। आरती बेटा, ये तेरे ससुराल वाले हैं। नमस्ते जी। अच्छा नमस्ते। चलो अच्छा हुआ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी फिक्स करने की? अरे बड़ी बदतमीज लड़की है, बड़ों से इस तरह से बातें करते हैं। आरती अरे तो कौन सा बुरा हुआ, अच्छे लोग हैं, और फिर हम तुझे कोई कुएं में तो धकेल नहीं रहे हैं। अरे और वो कह गए हैं
कि एमए की पढ़ाई पूरी कर ले फिर लगन करेंगे। एमए नहीं बुआ, एमकॉम। तू चुप रह, आवारा कहीं का। आवारा हूँ। चुप। अरे आप ही ने तो कहा बुआ। अरे ये घर वाले मुझे चैन से जीने भी नहीं देंगे। और तो और दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, कह रहे थे पढ़ी लिखी बहू मिल रही है वो ही काफी है, और तुझे और क्या चाहिए, इतने अच्छे रिश्तेदार मिल रहे हैं। बुआ मैंने कब बोला कि वो खराब लोग हैं, अच्छे होंगे अपने लिए। तुमको मेरी इतनी सी भी अहमियत नहीं है बुआ, पापा के स्टेटस के बारे में तो सोचा होता। एक किराने वाले से तुमने मेरी शादी फिक्स कर दी। सुन भाई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लड़के से। अरे दुकान चलाता है तो क्या हुआ, अपना बिजनेस तो है सही। बिजनेस वाले से तो आपने भी शादी की थी बुआ, उसका क्या हुआ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे सुन सुन तो। अरे तू मेरी छोड़, अपनी सोच। मैं तेरी माँ जैसी हूँ और तुझसे ज्यादा जानती हूँ। भैया समझाते क्यों नहीं अपनी बेटी को, समझते ही नहीं है। अरे वाह बुआ, तुमको पापा की कब से इतनी चिंता होने लगी कि उनको बोलने का मौका दे रही हो। तू चुप कर, बहुत नाटक कर रही है तू। बुआ देखिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी नहीं करूँगी। और मैं ये शादी करवा के ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तेरी पढ़ाई क्यों न छुड़वानी पड़े। उसमें तो तुम माहिर हो बुआ, छोड़ने और छुड़वाने में। पहले जबरदस्ती शादी करके अपना मायका छोड़ दिया और फिर अपना ससुराल भी छोड़ दिया, और अब मुझसे कहती हो कि मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दोगी। बुआ मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अब अगर मेरी लाइफ में तुमने इंटरफेयर किया तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता भी है। आरती जुबान संभाल के बात करो। ये बात आप कह रहे पापा, क्या बुआ ने कभी आपसे या माँ से जुबान संभाल के बात की है? पहले तो मैं छोटी थी लेकिन तभी भी मुझे सब कुछ याद है पापा, अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी, आप लोगों को जो करना है वो कर लीजिए। सुन लड़की है लड़की की तरह रहना सीख, और ये दादागिरी ससुराल में नहीं चलने वाली तेरी। तुमने भी तो कितनी दादागिरी करी है ससुराल में बुआ, तुम्हारे सास ससुर तो खून के आंसू रोए हैं, तुमने भी तो उनकी कभी कोई बात नहीं मानी, मुझे क्या सिखाती हो। अब बहुत हो गया तुम लोगों का, कम से कम आस पड़ोस का तो ख्याल करो, क्या सोचेंगे आखिर वो लोग हम लोगों के बारे में। अरे जब अपनी औलाद ही अपने बस में नहीं है तो कोई और क्या कर लेगा। देविका सुनो, बच्ची है समझ जाएगी। रुंझुन रुंझुन बाजे मनवा, हर क्षण हर पल कांपे मनवा, काहे दियो सुधीर भैया। हाँ। आइए आइए भैया, आइए बैठिए भैया। भैया हाँ क्या है,
अरे सुधीर भैया आए हैं। कौन है? सुधीर भैया। सुधीर? जतन कैसा है भाई? बढ़िया, बैठ। ये अपना भाई है चंदन। नमस्ते। नमस्ते। छोटा भाई। जी। तू तो बिल्कुल वैसा ही है यार। हा? चंदन तुम कितने में पढ़ते हो? अभी इंटर में हूँ भैया। आगे क्या करोगे? बीए कर लूंगा आर्ट साइड से। बीए? जतन तुम इसे बीसीए या बीबीए करवाना। ठीक है, जैसा आप कहिए। कितना सोचते हो दूसरों के बारे में, अपने बारे में भी तो सोचा करो। तेरा वो शिष्य याद है? कौन? अरे पुत्तन। पुत्तन क्या हुआ उसका? अरे उसकी तो लाइफ ही चेंज हो गई, ग्रेजुएट हो गया है। उसके बाप ने उसकी नौकरी भी लगवा दी है। अरे टाई वाई पहन के जाता है ऑफिस। 2 महीने बाद शादी भी है उसकी। एक दिन अपने ऑफिस के बाहर मिला था, तुमको याद कर रहा था। चलो सुधर तो गया। सुधर क्या गया, सारा श्रेय तुमको जाता है गुरुजी। एक दिन अंकल को पैसे देने भी गया था तो अंकल तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, हो सके तो मिलाओ। ठीक है? और मिलना मिलना तो बाद में होगा, पहले कुछ खाओ। बेटा कुछ लेते आओ। जी भैया। अरे नहीं। अरे यार इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, तेरा कमरा है, जा फ्रेश हो जा। आरती खाना तैयार है, आकर खा ले। तेरी बहन ना एक नंबर की नौटंकी बाज है। अब जन्म घुट्टी तो आप ही ने पिलाई थी। तू चुप कर, तेरी बहन और तू दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। अब मुझे भी तो जन्म घुट्टी आप ही ने पिलाई थी। अरे बस बस, बक 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 करता रहता है। अरे भैया आ गए, आइए बैठिए। अरे भाई आरती कहाँ चली गई? सुबह से अपने को कमरे में बंद करके रखा है, बाहर ही नहीं निकल रही। अरे भाई उसको बुलाकर लाओ, खामखा नाराज कर दिया बेचारी को। बस तुम्हारी इसी लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ के रखा है। आरती, आरती बेटा बाहर आ जाओ, खाना तैयार है, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। आरती बाहर आ। अरे आ ना बेटा। ये क्या है? अशोक, अशोक क्या हुआ बुआ? देख बेटा इसमें क्या लिखा है, ये क्या है देख। क्या लिखा है? आरती। हाँ? आरती दरवाजा खोलो, आरती आरती दरवाजा खोलो, आरती आरती प्लीज आरती दरवाजा खोलो, आरती आरती। अरे क्या लिखा है इसमें? आरती प्लीज बता ना। प्लीज आरती दरवाजा खोलो, आरती आरती। अरे हुआ क्या? अरे बता ना। आरती आरती बेटा, आरती बेटा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो आरती, दरवाजा खोलो प्लीज आरती दरवाजा खोलो, आरती आरती दरवाजा खोलो प्लीज, आरती दरवाजा खोलो प्लीज, आरती दरवाजा खोलो, आरती प्लीज दरवाजा खोलो, आरती दरवाजा खोलो, आरती दरवाजा खोलो। अरे क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है इसमें? अरे मुझे भी तो बताओ। अरे ये क्या लिखा है इसमें? अरे क्या हुआ? सब आपकी गलती है। क्या मेरी गलती? इसमें लिखा है कि वो सुसाइड करने जा रही है। आप शुरू से उसे गलत समझती आई हैं। आरती आरती दरवाजा खोलो, आरती आरती दरवाजा खोलो, आरती आरती दरवाजा खोलो, आरती 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 दरवाजा खोलो, आरती दरवाजा खोलो, आरती 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 दरवाजा खोलो,
दरवाजा खोलो आरती प्लीज। आरती दरवाजा खोलो। आरती आइए आइए भाई साहब। आरती आइए। आरती दरवाजा खोलो। तोड़ दो दरवाजा। आरती चल के। मैं सब इंस्पेक्टर हूं, दुनिया भर को सुधारता फिरता हूं, मगर अपना बेटा खुद नहीं सुधार पाया। मगर आपने इसे सही राह दिखाई। सुधीर बाबू, आपको जब भी जहां भी मेरी जरूरत हो बेझिझक कहिएगा। जरूर सर। और बताइए, मुंबई में क्या कर रहे थे? मुंबई में सर कुछ खास काम नहीं कर रहा था। दरअसल हमारे पास जो डिग्री है उसकी वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, इसलिए हमने सोचा कि अपने वतन ही चलते हैं, यहीं कुछ करते हैं। यहाँ अपने लोग हैं, सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वहाँ बहुत भागम भाग है, आदमी मशीन की तरह हो गया, जीवन नहीं है सर वहाँ पे। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, मुंबई में फास्ट लाइफ तो है मगर लाइफ लाइफ नहीं है। तो भैया अभी आपने क्या करने का सोचा है? अभी हमने सोचा है कि यहीं कहीं टीचिंग करेंगे। तो किसको ज्वाइन कर रहे हैं आप? एक है हमारे मित्र सर्वेश जी, वो एक प्राइवेट कोचिंग करते हैं जी, तो सोचा उनसे बात करेंगे इस विषय में। एक मिनट हिमांशु, जरा गाड़ी रोकना।
यही वो जगह है जहाँ पर सुधीर भैया रहते थे, जिन्होंने मेरी जिंदगी बनाई। अरे जतन भैया। अरे पुत्तन तुम? जी। तेरे तो बड़े जलवे हैं भाई। हा? बस सुधीर भैया की मेहरबानी। हाँ वो तो है। कहाँ है आजकल वो? कहाँ होगा, मारा मारा फिर रहा है काम के लिए। क्यों, कुछ नहीं हुआ अभी तक? यार तुम तो जानते ही हो आजकल कोचिंग और इंस्टीट्यूशन में कितनी मारा मारी है। ये दुनिया बहुत मजाकिया है मेरे दोस्त। घर छोड़, कहाँ जा रहा है? सिविल लाइंस जा रहा हूँ। सिविल लाइंस जी। लिफ्ट देगा? अरे नहीं। बैठिए। हेलो। क्या वो पुत्तन, फोन किया था कुछ अर्जेंट? सब ठीक तो है ना? दिमाग का दौरा फिर पड़ने लगा का? ये क्या है? ये लीजिए, हमारी कोचिंग सेंटर की चाबियां हैं, एक साल से बंद पड़ी, आप इसे चालू कराइए। और हाँ, हमारे पिताजी को महीने का किराया बस है ना, टाइम पे देते रहिएगा। अब ये और दो चार टीचर की जरूरत पड़ेगी तो हम रोजगार समाचार में ऐड दे देंगे। अरे जतन भैया कह रहे थे कि दुनिया बड़ी मजाकिया है, पर मैं आपके साथ मजाक नहीं होने दूंगा, ये मेरी गुरुदक्षिणा है। मैं तो कहती हूँ बेटा अभी भी वक्त है, एक बार फिर से सोच लो। लड़की हो नौकरी नहीं करोगी तो चलेगा, लेकिन शादी नहीं करोगी तो जिंदगी भर लोग ताने मारेंगे। मैंने सोच लिया है बुआ। अरे बेटा आरती, खाना तो खा ले। बुआ देर हो रही है, बाद में खाऊंगी। रुन झुन बाजे मनवा, हर क्षण हर पल कांपे मनवा, रुन झुन बाजे मनवा, हर क्षण हर पल कांपे मनवा। काहे दियो पर दे दियो पर दे, काहे दियो पर दे। रुन झुन बाजे मनवा,
उजाला फिर काहे दियारा लागे हो कारी आंखें कारी माया सुन है सुना डोर डगरिया कच 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 भीड़ सहरिया लोग बहुत है शोर बहुत है का ढूंढे का चाहे मनवा काहे दियो पर दे काहे दियो पर दे काहे दियो पर दे रुन झुन बाजे मनवा अंदर बाहर माटी माटी जीवन काया खाची माटी अंदर बाहर माटी हो माटी जीवन काया खाची पानी रच रच बन गई मूरत पानी पानी सब जग पानी फिर क्यों प्यास जलाए तन मन ना जानू ये राज उदासी क्या चाहे क्या मांगे मनवा हो काहे दियो पर दे 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 काहे दियो पर काहे दियो परदेस।